एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 5 और मैं सोच रही थी कि सुबह से ब्लॉग बनाऊं, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो कपड़े धोने के बाद जब नहाना हुआ तो काफ़ी लेट हो गई थी। और उसके बाद मैं सोच रही थी स्टार्ट करूँ, फिर बच्चे आ गए, तो आप जानती हैं बच्चों का तो वो कुछ करने नहीं देते जल्दी से, हालांकि बड़े हैं बट फिर भी। क्योंकि आज कपड़े इसलिए ज़्यादा हो गए थे क्योंकि छोटे वाले को कैजुअल ड्रेस में जाना था और बड़े वाले को वाइट यूनिफॉर्म में, तो जो उनकी जो रेगुलर जो ड्रेस थी स्कूल यूनिफॉर्म उसको मैंने वॉश किया था। इसके अलावा बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो ऐसे करते करते 12 बज गए। और उसके बाद नहाना धोना खाना पीना के बाद काफ़ी टाइम लग गया। और फिर आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो फिर ठंड भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा शाम को स्टार्ट करेंगे। तो अभी जस्ट शाम की चाय। एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है, ठिठुरने वाली ठंड हो गई है। तो शाम को अभी आज सुबह मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि अपन को टाइल्स, मतलब अपन शाम को चलेंगे टाइल्स देखने, हो सकता है कि हम परचेज भी कर लें यानी, बट अभी घर से निकलेंगे तब पता चलेगा कि पसंद अगर फाइनल हो गया तो आज ही ख़रीद लेंगे और नहीं तो फिर देखते हैं। तो अभी जस्ट वो गए हैं प्लॉट पे, यानी जहाँ पे हमारा घर बन रहा है वहाँ पे गए हैं अभी आज। तो वहाँ पे क्योंकि शाम को पानी आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करके पानी वगैरह का जो भी लेबर के लिए भर के फिर वो वापस आएंगे। उसके बाद हम जाएंगे मार्केट मतलब टाइल्स ख़रीदने। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, वैसे रेडी बस मैं कुर्ता डाल लूँगी गर्म, और बस अभी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे तो मैंने उनको जस्ट अभी मैनेज किया है। मैनेज करने के बाद मैं सभी बैठी हूँ और चाय पी है। बाय द वे आपके यहाँ कैसी ठंड हो रही है? यहाँ तो बहुत भयंकर ठंड हो रही है, यानी कि हाथ भी गर्म नहीं हो रहे मैं। और मैंने सुबह बहुत सारा मॉइस्चराइज़र अपने हाथों पे लगाया था लेकिन वो सारा गायब हो चुका है। अभी मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद मैंने एक बार चाय बनाई थी क्योंकि जो लेबर है वो यहाँ भी लगी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी था बाहर का तो वो लग रही थी, तो सुबह बनाई थी एक बार उनके लिए चाय। तो एक बार अभी वो जाने वाले थे तो उनसे पहले उनको चाय पिला के भी जाए। तो बस वो बर्तन वगैरह किए तो हाथ फिर से ड्राई हो गए हैं, तो मेरे को दोबारा से मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा लेते हैं और अगर मार्केट जाते हैं तो थोड़ा बहुत व्यू जरूर दिखाऊंगी आपको। और भैया ठंड बहुत भयंकर है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिव्यू गार्नियर बीबी क्रीम का? एक्चुअली में मुझे बहुत पसंद आई वो क्रीम, तो उसके साथ मैं एक मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट करूँगी एक दो दिन में जब मुझे टाइम मिलेगा, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए चल मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर चलते हैं मार्केट। तो यहाँ पे मैंने अपना गरम कुर्ता डाल लिया है और मेरा स्टॉल भी उससे मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने वही स्टॉल डाल लिया है और हम जा रहे हैं अब टाइल्स देखने। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मेरा जो छोटा वाला देवर है, मतलब दोनों देवर साथ गए थे टाइल्स देखने, बट जो छोटे वाले देवर ने कहा कि मैं बहुत दिनों के बाद कार में बैठा हूँ। एक्चुअली में वो हमेशा ड्राइव ही करते हैं, बैठने का मौका उन्हें कम ही मिलता है, तो इसलिए कह रहे थे कि बहुत दिनों के बाद बैठा हूँ मैं पीछे की सीट पे क्योंकि हमेशा ड्राइव करना पड़ता है उन्हें। तो चलिए पहुँचते हैं जल्दी से शॉप पे।
देख के आ चुके हैं, हमें पसंद भी आ गई थी, लेकिन जो जो ट्रायल हमें पसंद आई थी उसकी उनके पास इतनी पेटी नहीं थी, और जो ऑनर थे शॉप के वो बहुत लेट आए, इसलिए हमको बच गए पूरे 8। और वहाँ पे ठंड बहुत तेज़ लगी हमें, और आने के बाद सबसे पहले तो चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद बहुत तेज़ ठंड हो रही थी, तो शॉल वगैरह ओढ़ लिया है, खाना वगैरह हो चुका है क्योंकि लेट हो गए थे, तो इसलिए बच्चों ने होमवर्क नहीं किया और इधर बैठा है ईशान अपना होमवर्क करने के लिए। नहीं देखो उसने ग्लव्स पहन रखा क्योंकि ठंड बहुत तेज़ हो रही है, क्योंकि बिना बोले तो ये होमवर्क करते नहीं है। तो आने के बाद काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, तो आने के बाद तो इन्होंने खाना खाया है बच्चों ने और होमवर्क करने बैठे हैं। कुछ नई कॉपियां बनाई हैं तो उनके मैंने किया है कवर, और इनको ध्रुव को होमवर्क नहीं मिला है। बंद कर दो दरवाज़ा। तो ये है ध्रुव, ध्रुव को होमवर्क नहीं मिलता क्योंकि कोर्ट से आदेश मिले हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा। तो ध्रुव कौन सी क्लास में है? सेकंड क्लास में है, तो इसे होमवर्क नहीं मिलता, लेकिन ये कभी कभी पढ़ लेता है जब इसकी मैम बोलती हैं कि आज तुम्हें पढ़ के आना है, और अभी जस्ट इनके कुछ दिन पहले ही होम पेपर ख़त्म हुए हैं, तो अभी ये मस्ती के मूड में है। और कल है इनका स्पोर्ट्स डे, क्या करोगे स्पोर्ट्स डे वाले दिन? मंकी जंप रेस करेंगे। तो ये करेंगे मंकी जंप रेस, फर्स्ट आओगे शायद। शायद, चलो तो अब सोने की बारी है, ठीक है, टाइम हो गया है सोने का, तो भैया होमवर्क कर ले। होने वाला है, बाय बाय। तो होमवर्क अभी बस थोड़ी देर में हो जाएगा, फिर इनको सुनाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया है 9:30 का, खाना वाना तो हो चुका है, सबने खा लिया है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन, हैव अ गुड।